असाइनमेंट सर कल क्लास नहीं थी कल नहीं कल तो संडे था A Q U A T I C एक्वेटिक एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में पैदा होने वाला पानी में पैदा होने वाला पानी पानी में कौन सा जानवर पैदा होता है मछली और इसकी फैमिली जी बिल्कुल एनिमल विच लिव इन वाटर वो जानवर जो के समंदर में या पानी में रहना पसंद करते हैं नेक्स्ट ग्रीगेरियस जी आर ई जी आर आई ओ ग्रीगेरियस का मतलब होता है जनाब मिलनसार ये हमने अपने वोकैबुलरी के अंदर भी पढ़ा था लेकिन ये मिलनसार कैसे मतलब ऐसे जानवर एनिमल ऐसे जानवर जो इकट्ठा रहना पसंद करते हैं एनिमल विथ लिव विच लाइक विच लाइक टू लिव इन फ्लक्स एफ एल ओ सी के फ्लक्स का मतलब होता है जनाब जो जो वो नहीं होता जानवरों का जो भेड़ होता है मतलब है जहां पे वो समझ लें कि जहां जानवर बांधे जाते हैं ना ज्यादा तो एक अलग से एक जगह बनाई जाती है उसको कहते हैं जिसको हम आम अल्फाज में भाना भी कहते हैं जैसा मतलब है जहां तिरंदे होते हैं ना तिरंदों का जो घोंसला होता है तो उसको भी हम फ्लक कहते हैं यानी वो जानवर ये वो तिरंदे वो जो इकट्ठे रहते हैं इकट्ठे रहना पसंद करते हैं उनको कहते हैं नेक्स्ट हाँ जी हमने जनाब एक पढ़ा था जो मतलब है कि इंसान या हैवान जनाब वाला वो गोश्त भी खाते हैं और साथ जनाब घास भी खाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हर चीज को खाने वाला उसको हम पहले पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ेंगे जनाब वाला कार्निवोर सी ए आर एन आई वी ओ आर ओ यू एस कार्निवोर कार्निवोर का मतलब होता है जनाब गोश्त खाने वाला गोश्त खाने वाले इसके अंदर ही इंसान भी आ सकते हैं हैवान भी आ सकते हैं अच्छा जनाब एनिमल विच फीड अप फीड ऑन मीट अच्छा जनाब इसके बाद आप देखेंगे हर्बी बोर्स H E R B I V O R O U S हर्बीवोर्स का मतलब होता है घास खाने वाले इसमें इंसान भी आ सकते हैं क्योंकि इंसान आपको पता है ना सब्जियां वगैरह खाते हैं एनिमल विच Which feed on grass? सर घास के बजाय ना पौधे कर लें पौधे खाने वाले नहीं उसमें देखे ना ग्रास का मतलब ये पौधे जो होते हैं ये ग्रास की फैमिली होती है ठीक है ये सर मतलब घास सर फैमिली होती है पौधे मीन मतलब हर चीज आ जाती है लेकिन घास का मतलब घास ही है घास एक अलहदा जनर आता है पौधों में चले आप ये ग्रास भी कर लें और साथ प्लांट्स भी ले सर इंसान तो घास नहीं खाते होते ना सब्जी क्या है साग क्या है बताएं भाई इनको करेला क्या है तुरी क्या है ये सारे इसको घास ही कहते हैं सर साग डिटेल है
ये जो लोग साग पालक वगैरह खाते हैं ये घास की टाइप है? नहीं नहीं, सब्जियां जितनी भी है ना, याद रखिए जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे वो मतलब जो जमीन से उगती हैं, उनको हम सब्जी के घास में तोड़ जाते हैं, प्लांट्स में तोड़ते हैं। ठीक है सर, ये साग वगैरह पत्तों की आती है फैमिली, मतलब जिनके हम पत्ते खाते हैं, ये घास में नहीं आते? अच्छा चलें, कैनिबल, कैनिबल का मतलब क्या होता है? आदमखोर। हाँ जी, आदमखोर का मतलब क्या होता है? जो इंसानों के दुश्मन हो या गोश्त। सर अफ्रीका में रहने वाले कुछ कबीले। वन हु ईट, खून खरी जो करते हैं सर। वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, इंसानी गोश्त खाने वाले, इंसानी गोश्त खाने वाले। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं ना, 1960 में ना एक वाक्य हुआ, एक जहाज जो है, एरोप्लेन जो है ना, एक मतलब है कि ग्लेशियर के साथ टकरा गया। ठीक है, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि तमाम मुसाफिर जो थे ना वो बच गए, वो मुसाफिर बच गए। और अब देखिए, एक बंदा ग्लेशियर के ऊपर पड़ा हुआ है कितना दूर, और पीछे से जनाब वाला उनको जो ढूंढने वाले थे एरोप्लेन को, वो भी पूरा मतलब हफ्ता ढूंढते रहे, कहीं भी ना मिला। फिर उन्होंने मतलब छोड़ दिया कि मतलब ये कहीं चला गया। ठीक है, उसके बाद जो बंदे वहां मौजूद थे ना, उनमें से ना सिर्फ और सिर्फ तकरीबन कोई 80 बंदा था, 80 में से ना 4 बंदे बच गए, 4 बंदे यानी कि सही सलामत घर पहुंचे। उन्होंने पूरी स्टोरी बताई थी, उन्होंने कहा कि हमने तो सब ने आपस में तय किया था कि हमारे पास खाने पीने का कुछ भी नहीं, हम में से जो भी फौत होगा उसको गोश्त खाए। वो कहते थे इसी तरह हम जिंदा रहे और इसी तरह हम मतलब अपना सफर भी तय करते रहे और इसी तरह हम यहाँ पहुंचे। ठीक है सर, ये इंसिडेंट कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ये आप सर्च करेंगे ना मिल जाएगा। ये किस जगह पे हुआ कुछ पता? ये हुआ था जनाब न्यूजीलैंड वाले एरिया वाले शायद हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, वन हु, और ये और दुनिया का पहला मतलब इंसिडेंट था जहाज वाला, वन हु लिव्स ऑन वेजिटेरियन, वेजिटेबल, इसको हम क्या कहते हैं भला? वेजिटेरियन कहते हैं। मतलब क्या है जनाब? सब्जियां खाने वाला, जिसको गोश्त पसंद ही ना हो। सर आदमी खोल फिर अपनी फैमिली को नहीं छोड़ते होंगे ना, खा जाते होंगे। क्या कह रहे हैं सर? आदमी खोल जिसको इंसान का गोश्त खाने की आदत हो, वो तो फिर उसको नाम मिले तो वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ते। नहीं नहीं, वो मैं आपको बताऊं ना, मतलब इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, मुकम्मल जाब्ता है, याद है। तो वहां पे जो है मतलब है कि वो बताया जाता है कि जनाब किसको आपने करना है, किसको कैसे रहना है, सारा कुछ बताया जाता है। लेकिन बाकी मजहब ऐसे हैं, वो जनाब वाला आपको पता है कि हमारे यहाँ तो इंसान को कब्र में दफन किया जाता है ना मुर्दे को, तो वो आपको पता है कि आपने देखा होगा फिल्मों में किसी को जनाब जलाया जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है, तो मुख्तलिफ मजहब है लोगों को, इसलिए हर बंदा जो भी करता है वो अपने मजहब के मुताबिक। अच्छा, इनविजिबल का मतलब क्या होता है? पोशीदा, यानी छुपा हुआ, इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग, वो चीज जो आप देख ना सकें उसको कहते हैं इनविजिबल। ठीक है, अच्छा जनाब, तहसीलदार का जो पेपर है वो आपको पता है कि मजीद थोड़ा सा आगे चला जाए, लेकिन ये है कि वो जनाब 100% कोई बात नहीं, आपको मजीद टाइम मिल गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि 31 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को पहले जो प्लान था ना वो और था, अब उन्होंने प्लान में थोड़ी तब्दीली भी की है, अब प्लान जो है ना वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। सर फिर मेहनत करने का दिल ही नहीं करता, इतनी पोजीशन बना देती है। अब बात तो ठीक है भाई, आपने डिसीजन करना है तो आपको पहले नहीं पता था कि तो पंजाब यूनिवर्सिटी के उसमें पेपर हो रहे हैं, स्क्रीन चार्ट भेजने जाती थी। सर जो आपने आज टेस्ट सेंड किया ना जी, जी सर, ये क्लासिकल ग्रामर है सर, ऐसे ही अच्छी ग्रामर ही होती है। नहीं, ये मैंने आपको ओवरऑल सेंड किया, मतलब 100% जो है
मतलब किस हिस्से पर आएगा? yes, इसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं थी एग्जैक्टली प्रॉपर सर। सर बोर्ड नहीं नजर आ रहा मुझे। नहीं नजर आ रहा, आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। सर मैंने किया है। यानी किसी और को प्रॉब्लम है? सर वो बोलने की वजह से हो रहा है। अच्छा चले, मैंने भी जब से ज्वाइन किया था थोड़ा थोड़ा ब्लर है। अच्छा चले, वाली म्यूट रखते हैं आप। लाइट का मैं सर मोड़ दे, लाइट तो पूरी है यहाँ पे। नहीं आज कम है सर वैसे। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, एक बल्ब एक्स्ट्रा चल रहा है और वो सामने बोर्ड पे जो है ना उसकी लाइट आ रही है, तो उसका मैं आप देखें सही हुआ है कुछ। अगर 23 और 24 को पेपर नहीं होता ना, याद रखिएगा 31 और 31 अक्टूबर को पेपर 100% हो रहा है। अच्छा जी, पेयर वर्ड में सबसे पहले आप लिखेंगे एडवांस। 17 और 24 वाले दोनों ही प्लैनेट हट गए। नहीं नहीं, असल में वो पेपर हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी का। आप कहते ना लाहौर के अंदर एक पेपर है, वो है जनाब वाला पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सेंटर है, जहाँ पे एट ए टाइम बंदा 20-25 हजार बंदा स्टूडेंट पेपर दे सकता है, वो बिजी है। अच्छा जी, एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ने। आगे बढ़ना मतलब क्या है कि आवर आर्मी एडवांस एंड अटैक द इंडियन आर्मी इन 1960 वार। हमारी आर्मी जो है वो आगे बढ़ती है और जनाब उसने इंडियन आर्मी के ऊपर जो है हमला किया। एक होता है लफ्ज एडवांसमेंट, एडवांस MENT, एडवांसमेंट का मतलब होता है तरक्की। दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है, यानी पाकिस्तान है मेड ग्रेट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। ओके, ये नंबर वन। नंबर टू, नेक्स्ट देखें हमारे पास है एडवर्स, ADVERSE। एडवर्स का मतलब होता है जनाब मुखालिफ। एडवर्स का मतलब क्या होता है? मुखालिफ। मुखालिफ भी कह सकते हैं या गैर मौजू भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अनफेवरेबल, कॉन्ट्रेरी या हॉरिबल या हॉस्टाइल, मतलब इसके अंदर दुश्मनी आ जाएगी, मुखालिफ दुश्मन आ जाएगा। अच्छा, दे कैरेड ऑन देयर जर्नी इन एडवर्स विंड, वो जनाब अपना सफर मुखालिफ हवाओं में कर रहा था। इसके बाद एक और लफ्ज है AVERSE, एवर्स। एवर्स का मतलब क्या होता है? एवर्स का मतलब होता है जनाब मुखालिफ, अच्छा जी इसके अंदर जो है ना मतलब है जेलसी आती है, मुखालिफ भी आ सकता है और इसके अंदर जनाब वाला किस तरह के मतलब मुखालफत, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ वाला जो क्लास फेल है वो आपको देख के उससे ज्यादा पड़ेगा, जेलस होकर ज्यादा पड़ेगा। उसके साथ जनाब वाला एक और है, यानी ये भी मुखालफत में आती है लेकिन ये पॉजिटिव में आती है। ठीक है सर, प्रोफेशनल जी जी, पसंद ना करना, पसंद ना करना, बस ये वाली मुखालफत। इसमें जो आती है ना ये थोड़ी दुश्मनी टाइप की होती है। इसके बाद लिखेंगे एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है मतलब यह है कि ओपिनियन ओपिनियन के बाद काउंसल। काउंसल का मतलब क्या होता है? मशवरा।
ठीक है, मतलब आपको जनाब वाला कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप क्या करते हैं, मशवरा लेते हैं। जब मशवरा आप लेते हैं तो फिर क्या होता है, जब आप मशवरा लेते हैं तो फिर अगला बंदा आपको बताता है तो आप उसके ऊपर अमल करते हैं, यानी नसीहत पर अमल करते हैं। इसके बाद एक और लफ्ज है एडवाइस, ADVISE, ये ICE है और ये ISE है, ये है जनाब मशवरा देना। यहां पर क्या बात है, इसमें मशवरा लिया जाता है, इसमें मशवरा दिया जाता है, फर्क क्या है देख लें। इधर आप खुद चल कर गए किसी मशवरा लिया और यहां पे आप खुद मशवरा दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, टू गिव एडवाइस, किसी को मशवरा देना, थोड़ा सा फर्क। इसके बाद एक और लफ्ज है जनाब इसी के अंदर एडवाइजेबल, ADVISABL, एडवाइजेबल का मतलब होता है सूदमंद, सूदमंद मतलब फायदेमंद। इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू स्मोक टू मच, आपके लिए ज्यादा सिगरेट पीना सूदमंद नहीं है, बेहतर नहीं है, ठीक है। नंबर फोर, आपको अगर मीनिंग से याद होंगे जवाब आपको बिल्कुल प्रूफ होगा, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है, इश्तिहार देना, यानी ये जो आप नौकरियों के जो लगी होती है जनाब अखबार के ऊपर जो नौकरियों का इश्तिहार होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइज कहते हैं। इसके बाद एक और चीज होती है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जस्ट होता है इश्तिहार। अच्छा जी, एडवर्टाइज का मतलब ऊपर वाला जी का मतलब है, आपको क्लियर समझा दूं, वी शुड एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, हमें अपनी प्रोडक्ट की इश्तिहार देना चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में क्या है, एडवर्टाइजमेंट में है जनाब के दिस क्लॉथ इज पॉपुलर ड्यू टू इट्स ग्रेट एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इसके जो इश्तिहार है, ये जो एक दुकान बनी हुई है इसके जनाब ऊपर जो एक साइन बोर्ड लगा हुआ है वो बड़ा पॉपुलर है, वो दूर से नजर आता है, ठीक है। इसके अलावा जनाब वाला यानी कि एक चीज की जो मुकम्मल तौर पे मतलब फॉरएवर उसके साथ एक चीज साथ लगी रहे उसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप दुकान पे जाते हैं आप ऊपर पढ़ते हैं तो फिर अंदर जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं ऊपर आपको मतलब कोई बोर्ड भी नजर आया और आप ऐसे अंदर चले गए, आपको पता चलता है हाँ जी ये जूते वाली शॉप है, अच्छा ये जनाब कपड़े वाली शॉप है, तो वो उसको जो ऊपर लगा होता है ना मतलब बोर्ड, उसको हम साइन बोर्ड क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, वो उसकी एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट हो रही है। पांचवें नंबर पे एडजॉइन का मतलब क्या होता है, एडजॉइन का मतलब होता है करीब तरीन या मुलहिक होना, जोड़ना भी कह सकते हैं सर जी, एडजॉइन जोड़ना भी कह सकते हैं। हाँ मैं बताता हूं, टू बी नेक्स्ट या जनाबे वाला नियरेस्ट टू, जोड़ना जो है ना मैं आपको बताऊं ना, जो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यहां बैठा हुआ है, दूसरा यहां बैठा हुआ है, तीसरा यहां, चौथा यहां, बारी बारी पहले इसका इंटरव्यू है फिर इसका इंटरव्यू है, ये आपस में एक दूसरे करीब करीब है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं, इसको हम कहते हैं सर। जी जी सर, आज वर्डिंग जो है वो क्लियर ही नहीं हो रही। कौन सी वाली सर, सारी मतलब बोर्ड सही नहीं, पता नहीं शायद नेट का मसला है या जैसे भी है ना, तो वर्डिंग क्लियर नहीं हो सकता आपकी तरफ। हाँ जी, किसी और को है इशू आपकी तरफ, नेट का इशू हो सकता है मेरे ख्याल में, मैंने आपको HD प्रिंट। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोगों ने ना, अगर आपके पास नहीं है ना तो अभी आप ये लिख लें सर, क्लियर है बाकी की तरफ सबसे, मेरा आज नहीं क्लियर हो रहा, पहले क्लियर ही होता है। ये देखें 159 है कोड,
*159# इस हफ्ते का लगता है। इसमें ना इंटरनेट जो है गैस के ऊपर बहुत नहीं चलता है और इसके ऊपर बड़ा क्लियर हर चीज नजर आता है। अच्छा जी, एडजोरन का मतलब क्या होता है? एडजोरन का मतलब होता है आपके पास मुलतवी करना, मुलतवी करना। मतलब जिस तरह मैंने पुट ऑफ अनटिल लेटर, अच्छा जी मतलब पोस्टपोन भी आप इसको कह सकते हैं। जिस तरह तहसीलदार का जो पेपर है वो एडजोरन हुआ है। अक्सर लोग ये कहते हैं सर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो, कैंसिल का मतलब होता है खत्म हो, कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है, एडजोरन हुआ मतलब ये आगे होगा। इसकी मतलब वो आप ये ना समझे कि जनाब ये खत्म हो गया बल्कि आगे होगा, इसको कहते हैं एडजोरन या पोस्टपोन। स्क्रीन शॉट भेज दीजिए जल्दी। अच्छा जी ये बताएं, पहले हम हमारे पास जो भी टाइम मौजूद है हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में पढ़ लें ज्यादा बेहतर है या फिर क्या ख्याल है? हाँ सर, वो तमाम नोबेल प्राइज का भी बता दें और वो जो आपने लिखा था। नहीं, नोबेल प्राइज के बारे में ना मैं वो कम्प्लीटली डिटेल बताऊंगा। ऐसे वो तमाम सवाल जो पेपर में आते रहते हैं शुरू से लेकर नोबेल प्राइज क्यों बना, कहाँ बनता है, कैटेगरी के, सब कुछ कम्प्लीटली बताऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं और 2021 तक, ठीक है? अच्छा जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में आप लिखना है। पहले मैंने थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो स्टोरी है वो उस स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जनाब इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए 1936 में। ये खैर मैं नोट्स भी आप लिखवाता हूँ बाद में। तो भोपाल जो है इंडिया का शहर है जहां पे जनाब 1936 में 1 अप्रैल को पैदा होते हैं। तो ये जनाब मैं आपको ये बता दूं, भोपाल जो है ना मध्य प्रदेश सुबह है वहां पे, ठीक है, मध्य प्रदेश। अच्छा जी, छोटी सी स्टोरी पहले सुना के उसके बाद इनके बारे में लिखना शुरू करेंगे। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में हमारे पास जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है हम सारी लिख लेंगे ताकि बाद में आपको उसके बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको रेज करना हो फिर आपको प्रॉब्लम ना सके, ठीक है? 1936 में पैदा होते हैं जब पाकिस्तान अलहदा होता है, ठीक है? तो जब पाकिस्तान अलहदा होता है तो 1947 में इनकी फैमिली पाकिस्तान, ठीक है, पहले आते हैं ये कराची में, कराची में वहां बैठते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतहाई जहीन तरीन होता है, ठीक है, 1960। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जब पाकिस्तान अलहदा हुआ तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो फैमिली थी वो इंतहाई इंडिया के अंदर बड़ी अमीर तरीन फैमिली थी, यानी एक इलीट क्लास की फैमिली होती है ना, जैसे इलीट क्लास की फैमिली का मतलब है बहुत ज्यादा अमीर तरीन जागीरदार, इस तरह के लोग थे। यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि जनाब हमारे यहाँ पे हम जागीरदार हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं, हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहां पे तो मुसलमान भी तो रह रहे हैं, वो भी तो नहीं गए पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए हिजरत की, कहाँ पे, कराची में। 1960 में ये तलीमी कैरियर, ये सारे बाद में बताऊंगा, पहले मैं और बात करना। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो है मतलब है जर्मनी जाते हैं, हॉलैंड जाते हैं, बेल्जियम जाते हैं आला तलीम के लिए। 1971 का इंसिडेंट होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, मतलब है पाकिस्तान का पाकिस्तान से जुदा होना, यानी एक हिस्से का दूसरे हिस्से से जुदा होना, ठीक है, यानी एक मुल्क का हिस्सा जो है वो जुदा हो गया, जैसे एक जिस्म का हिस्सा जुदा हो जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए ये एक इतना बड़ा सन है, उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख था वो यही था कि बांग्लादेश में होता, और उन्होंने ये सोचा कि जनाब देखो अगर पाकिस्तान के पास अगर हथियार होते, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार होते, बम होते, तो हम कभी भी इंडिया से मार ना खाते, और हम बांग्लादेश ने तो मतलब बांग्लादेश ने जो है बांग्लादेश की तो जरूरत नहीं है ना कि वो एक अलग धाम से हो, उनकी को मतलब अलग करने वाला तो इंडिया है, और इंडिया के पास सब सब कुछ है, क्योंकि तो इंडिया जो है आपको पता है कि 1974 में एटमी बम बना चुका होता है, और उससे पहले जनाब वाला उसने क्या कुछ नहीं किया होता था दिफा के लिए, तो उसने बहुत कुछ कर लिया होगा। और पाकिस्तान उस वक्त तक बहुत ज्यादा कमजोर था,
पाकिस्तान की तमाम सरदें खुली हुई थी, जो आ रहा है जो जा रहा है, नो इशू, को पूछने वाला नहीं है। ठीक है, 1974 में जो है डॉक्टर अब्दुल कबीर खान मतलब है जिस हालैंड में थे और वहां पे एक लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, और 1974 में डॉक्टर अब्दुल कबीर खान को तकरीबन $250 लाख मिल रहे थे, इतना बड़ा हाईली मुआवजा मिलता था। तो उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अब्दुल कबीर खान को जनाब वाला रिक्वेस्ट की कि आप वापस आ जाएं और ये करें। डॉक्टर अब्दुल कबीर खान तो पहले ही मतलब सोच रहे थे कि जनाब मैंने ये करना है। 1976 में डॉक्टर अब्दुल कबीर खान वो जनाब जो करोड़ों में खेल रहे थे उन्होंने वो छोड़ दिया। बात समझ आ रही है? 1976 में उन्होंने वो करोड़ों वाला जो मैटर था वो सारा छोड़ दिया और उन्होंने जनाब क्या किया, वो पाकिस्तान आ गए। सिर्फ किस लिए आए? पाकिस्तान से वफादारी, पाकिस्तान की मोहब्बत ले आए। तो उन्होंने कहा जी मैंने कुछ करना है, मैंने पाकिस्तान को दिफाई तौर पे मजबूत बनाना है। समझ आ गई? अच्छा जी, डॉक्टर अब्दुल कबीर खान 1974 में यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे जनाब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज 1976 में हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने 1976 में कर लिया था। उसके बाद पाकिस्तान को बड़ा दुख था कि जनाब इंडिया तो हमसे कितना बहुत आगे जा रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1976 में यहाँ पर आए और एटम बम बनाने के लिए, एटमी पाकिस्तान को पावरफुल बनाने के लिए काम शुरू हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जनाब काबीना के अंदर ये कहा कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब है इनकी कोई भी फाइल आए आपने रोक लीजिए, चाहे वो जायज है नाजायज है, ओके। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का फोन आए तो आपने ये नहीं समझना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का फोन है, बल्कि आपने ये समझना है कि ये जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो का फोन है। ठीक है, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो का मतलब हम उन्होंने मिन्नत है, उन्होंने ये स्टेप लाया और यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कबीर खान जो पहले से तैयार बैठे थे वो भी यहाँ पर आ गए। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जो है जनाब क्या कहते हैं किसकी हुकूमत आई थी, जियाउलहक साहब की। जियाउलहक साहब की जो हुकूमत आई है आती है तो वो जनाब उन्होंने भी भरपूर साथ दिया। ठीक है, और यानी कि ये देख लें कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब थे वो जनाब वाला मतलब उस उनके पास हर किस्म की पावर थी, जहां भी जाते थे कोई रोक नहीं सकता था, हाई अलर्ट सिक्योरिटी में थे। अच्छा जी, 1984 के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो है वो बुलाते हैं अपना जियाउलहक साहब को, उनको बताते हैं कि जनाब जो काम आप लोगों ने मेरे जिम्मे लगाया था मैंने कर दिया। यानी पाकिस्तान ने 1984 में एटम बम बना लिया। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा एक अखबार में एक मतलब पीस भी डाला गया ताकि इंडिया को बता सकें। उस वक्त राजीव गांधी की हुकूमत होती है इंडिया के अंदर, उस वक्त जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी चल रही होती है, तो जियाउलहक साहब जो है उसकी क्रिकेट डिप्लोमेसी के अंदर जो है जियाउलहक स्पेशल यहाँ मैच देखने जाते हैं, हालांकि वो मैच नहीं देखने जा रहे होते क्योंकि राजीव गांधी जो होते हैं ना वो क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, वो हर मैच को जाकर देखता। अच्छा जी, तो जियाउलहक मतलब उन्होंने दावत दी कि पाकिस्तान इंडिया की टीम में खेल रही है तो आप भी आए, तो जियाउलहक यहाँ से चले गए। उन्होंने जनाब राजीव गांधी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था उनके जनाब वाला कानून में कहा कि जनाब मतलब है कि अगर आपने मतलब है किसी किस्म की, क्योंकि उस वक्त इंडिया की जो आर्मी थी ना वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थी मुकम्मल हो गए, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की अगर आपने मतलब की तो एटम बम हमने बना लिया है और हम कोई भी मतलब हिचकिचाहट कर मतलब नहीं करेंगे उसको चलाने में, फौरन बम मार देंगे। ठीक है, और इस बात के बाद इंडियन आर्मी जो है वहां से सरहद से हटा दी। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि जुल्फिकार अली जियाउलहक साहब जो है वो जस्ट एक पैगाम देने आए हैं, जनाब हम अगर फौजी नहीं वापस हटाते तो हम ये कर दें। ठीक है, तो खैर पाकिस्तान पावरफुल था नहीं, ऊपर से बाहर वाले प्रेशर, पाकिस्तान ने जनाब 14 साल पहले बम बना लिया है, जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान उसको दुनिया को बता सके कि हमने बना लिया और चलाए पाकिस्तान। ठीक है, खैर 1998 में 28 मई को पाकिस्तान दो धमाके करता है और 30 मई को पाकिस्तान फिर दो धमाके करता है, टोटल पाकिस्तान 5 धमाके करता है और पाकिस्तान उसी दिन से पहली इस्लामी रियासत जनाब वाला एटमी कुवत वाली बन जाती है और अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है,
जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को लाइफ के अंदर जो है यानी कि पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान का था वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मजबूत बनाया, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के ऊपर जो मतलब एक समझ लें कि ये एहसान किया है ये पूरी जिंदगी कोई नहीं भूल सकता। पाकिस्तान की जनाब कल मतलब उनका नमाज जनाजा था तो मतलब है कि हम देख रहे थे कि मैं सोशल मीडिया पे ये देख रहा था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है नमाज जनाजे में और जनाब चारों फोर्सेस के वो भी नहीं है। ये एक्चुअली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है। अच्छा ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों वजह है ये भी मैं बताता हूँ। जब पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया तो उसके बाद जो अमेरिका है वो आपको पता है कि वो तो जाके दरवाजे तोड़ के जनाब अल्लाह तला खे लेते हैं, उसको कोई पूछ ही नहीं सकता। हमारे आगे बात की तो जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर फौरन पाबंदी लगाई और अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के जितने भी साइंसदान हैं इनकी तलाशी और इनकी इन्वेस्टिगेशन और इसके अलावा जनाब अल्लाह पाकिस्तान के जोरी निगाम है उसकी जनाब तशहीर कर देते। और इंडियन अमेरिकन आर्मी यहाँ पर आई और उन्होंने जनाब यहाँ पे जनाब चेक किए सारा कुछ। तो एक बार फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा जनाब मुझसे गलती हो गई, मैं माजरा करता हूँ, यानी उन्होंने अपने सर पे लेकर माफी मांगी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के एक साइंसदान था उसको मेरे नाम में जन्म नहीं आ रहा, बरल वो अमेरिका गया, उनकी अच्छी खासी मतलब अमेरिकन ने वो की उनकी तलाशी और उनसे मतलब जो भी उनसे मतलब वो आलात थे उनको लगाए गए, उनसे मतलब किसी तरह से जो है मतलब कोई कोई सीक्रेट बता दें लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया। अब ये उन्होंने नाम नहीं आ रहा। और उसके बाद जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जनाब वाला कहा कि हमारे हवाले करें, इन्होंने ये गद्दारी की ये वो। खैर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी हिम्मत की, इन्होंने जनाब इनके अपने घर में नजर बंद किया। हालांकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डेली जाते थे क्वार्टर लेबोरेटरी और जहाँ पे रिएक्टर था तो जहाँ काम भी करते थे। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो सिक्योरिटी थी वो आर्मी चीफ से दी जाती थी, ठीक है, हवाई सिक्योरिटी भी थी, सब कुछ सिक्योरिटी मुकम्मल दी थी। और ये जो नमाज नादा हुआ है ये पाकिस्तान मतलब आर्मी के जितने भी सरबराह थे वो भी शामिल थे, वजीर आजम भी शामिल था, लेकिन मीडिया पे नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनाब अमेरिका की नजर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्या है, गद्दार, और हमने मीडिया पे नहीं लेकर आया। समझ आ गई बात? अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर जो होते हैं ना फॉर एग्जाम्पल वो पाबंदी लगा दे कि पाकिस्तान के साथ किसी बंदे ने लैंड लैंड नहीं कर, तो पाकिस्तान का ना कोई एशिया लेगा ना पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान तो भूख से मर जाएगा, ठीक है। जिस तरह ईरान के ऊपर पाबंदी है, ईरान जो है आपको पता होना चाहिए कि ईरान के पास इतना तेल है कि ईरान दो दिन में तक या समा सकता है, लेकिन ईरान के ऊपर पाबंदी है, ईरान अपना तेल बाहर भेज ही नहीं सकता, ठीक है। जिस तरह हम मतलब है कि पानी भरने जाते हैं बाहर से, पानी भर के आ जाते हैं, जब पानी जाया होता है हमारा, इसी तरह ईरान के अंदर तेल जाया होता है, ठीक है। नहीं ऐसा सुपर पावर्स को ईरान का तेल है वो सॉलिड फॉर्म में निकलता है, तेल कोई भी होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, तेल को निकाला जाता है वो एक किस्म का मतलब बहुत गाढ़ा और खराब होता है, उसको फिर बाद में जो है ना उसको बाद में रिफाइनिंग की जाती है ना बाद में उसकी, जी 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 बाद में की जाती है सॉलिड फॉर्म। सर एक और क्वेश्चन है सर, पाकिस्तान ने 1984 में एटम बम बनाया और जो उन्होंने फॉल किया 1998 बात सुनो कार खत्म हो रही है फौरन ज्वाइन करेंगे क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में पूरा लिखा। अच्छा हाँ बोले सर, आपने बोला 40 मिनट सर बम जो बम बनाया था वो एक्सपायर नहीं हुआ, उसमें जो यूरेनियम इस्तेमाल हुई थी या जो भी आइटम इस्तेमाल हुए थे वो तो पड़े पड़े एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी हाफ लाइफ खत्म होना शुरू। आपका सवाल जो है ये अगर क्लास खत्म होती है फौरन ज्वाइन करे, 10 मिनट के लिए ज्वाइन करे फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खत्म हो जाएगा। पहले मेरे सर में थोड़ा दर्द था लेकिन अब सही होगी वो, ये मैं आपको बताऊँ ना जो हमारा दिफाई बजट करेंगे, दिफाई बजट जो है हर साल पाकिस्तान का मिलता है उसके अंदर वो सारी चीजें हर साल तब्दील कर दी जाती, याद रखिएगा, यानी एटम के अंदर जो जितने भी रिएक्टर होते हैं हमारे उनके अंदर हर साल तब्दीली होती है। सर उसी को ही अगेन एंड अगेन बनाया जाता है, वही मटेरियल डाल के वही एटम डाल के उसमें ये देखा जाता है कौन सी चीज जो है उसको तब्दील करना है और कौन सी चीज को तब्दील नहीं करना, उसी लिए उसके अंदर ये जी जी
तो ये जो यूरेनियम वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना, ये तो इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है क्योंकि इनमें उसके अंदर जो चीज जिसकी लाइफ खत्म हो जाती है उसको तब्दील कर दिया जाता है और हर साल रिपेयर होती है एवरी ईयर। अच्छा जी, मेरे ख्याल में क्लास खुद ब खुद ही खत्म वो भाई आपने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल्कादिर खान अमेरिका की लेबोरेटरी में भी काम करके आए थे और सारे फार्मूले वहां से लेकर आए कि एटम बम किस तरह बनाया जाए, सारे फार्मूले, सारे जितने भी